हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो देखिए, आज हम इस तरीके की ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं ब्यूटीफुल सी ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने फैब्रिक ले लिया है, और ये मैंने ये देखिए इस तरीके का ये फैब्रिक लिया है, सिल्क फैब्रिक है ये। ये देखिए, ये इसकी जो चौड़ाई मैंने लिखी है, ये 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ यहाँ पर मैंने ये देखिए 31 इंच की इसकी मैंने लेंथ रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर इस तरीके मैंने इसके साथ ये देखिए इस तरीके का वाइट कलर का कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। अब मैं ये कॉटन के फैब्रिक पर इसको इसकी उल्टा कर करके इसको इस साइड रखेंगे, सीधी साइड हमारी नीचे रहेगी, इस पर रख करके इस पर 3 साइड हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है इस पर, ये देखिए इस तरीके से आएगा ये। हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया है, सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरीके से एक बार हाथों से प्रेस करके सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ये देखिए इधर की साइड एक बार सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड से हम इसमें आसानी से हमारे प्लेट्स चल जाएंगी, इसलिए हमने इस पर सिलाई लगाई है। अब हमें देखिए नीचे की साइड इस तरीके की मैंने लेस लिए, यहाँ पर लेस में ये लगाऊंगी यहाँ पर नीचे की साइड, तो इसको यहाँ पर लगा देंगे नीचे की साइड रखते हुए। इस पर भी हम सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से, आगे से फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, इसको यहाँ पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम क्या करेंगे, प्लेट्स डाल देंगे, यहाँ से लेंगे इसका फ्रंट पार्ट, इसको इस तरीके से रखते हुए 1-1 इंच की मार्जिन को मोड़ते हुए इस पर हम प्लेट्स डाल देंगे, इस तरीके से रखते हुए। चलिए इस पर प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए प्लेट्स भी मैंने इस तरीके से इस पर आ गई हमारा, और ये सर्कल ये देखिए हमारा इस तरीके से सर्कल आ जाएगा। अब इस पर हम चोली को जोड़ देंगे। चोली के लिए ये देखिए मैंने ये फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है, और ये मैंने ये देखिए 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने 6 इंच की ली है। इस पर सेम मैंने ये साइज़ का वाइट कलर का कॉटन का फैब्रिक कट कर दिया है, इसको हम सिलाई कर लगा देंगे इसमें 2 साइड। हम इस तरीके से उल्टा रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, हम इसको पलट करके सीधा कर देंगे। तो देखिए इसको सीधा करने के बाद इस पर मैंने ये इस तरीके की 2 स्ट्रिप ले ली है तैयार करके। हम क्या करेंगे, इस पर एक साइड दोनों स्ट्रिप पर टिश्यू रिबन से इसको लॉक कर देंगे।
तो देखिए दोनों स्ट्रिप पर मैंने एक साइड टिश्यू रिबन लगा दिया है। अब इसकी दोनों साइड को इस तरीके से रख कर के इस पर एक दूसरे को देखिए 1.5-2 इंच की दूरी पर इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इस पर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस पर सिलाई लगा दी है मैंने। हम क्या करेंगे इसकी बाजू बनाने के लिए इसको इतना रखते हुए इस साइड पर भी आधा आधे इंच पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है मैंने। अभी इस तरीके से हमारी चोली बन करके तैयार है। अब हम क्या करेंगे ड्रेस के ऊपर इसको एक साइड से रखते हुए इस तरीके से पूरे साइड पर सिलाई लगा देंगे, पूरे राउंड पर सिलाई लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं इस पर भी सिलाई। तो ये देखिए ये हमने इस पर चोली भी सेट कर दी है। देखिए ये इस तरीके से आएगा, ये बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाती है इस तरीके की ड्रेस की। ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक इसकी लगेगी और पहनाने में भी बहुत ही सिंपल होती है ये। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको अच्छी लगी हो। और ड्रेस अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।